यमुना का जलस्तर भले ही कम हो रहा हो, लेकिन दिल्ली में सैलाब का संकट अभी भी बरकरार है। यमुना नदी अब भी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में राजधानी के कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। आपको बता दें, ITO के पास पानी भर चुका है। नदी के किनारे की बस्तियों से आगे बढ़कर पानी लाल किले और रिंग रोड तक पहुंच गया है। इसी के चलते आज लाल किले में पर्यटकों के जाने के लिए रोक लगा दी गई है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए दिल्ली में सभी स्कूलों को 16 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और LG विजय सक्सेना से फोन पर बात की। बताया गया है कि यमुना के जलस्तर में 17 सेंटीमीटर की गिरावट आई है। हालांकि मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाके और NCR गोहाना सोनीपत में हल्की बारिश की संभावना जताई है। माना जा रहा है कि अगर इन इलाकों में बारिश हुई तो दिल्ली वासियों की परेशानी और बढ़ सकती है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।